मुजफ्फरपुर के SKMCH में चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों से मिलने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और AICC सेक्रेटरी वीरेंद्र राठौर पहुंचे। अपने साथ गाड़ियों का काफिला लिए दोनों नेता जब SKMCH पहुंचे तो कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। धक्का मुक्की ने हंगामे की शक्ल ले ली और तभी पत्रकारों के सवाल पर कार्यकर्ता भड़क उठे। कुछ देर तक हंगामे के बीच दोनों नेता सरकार पर लापरवाही का आरोप भी लगाते हुए दिखाई दिए। हम लोग यहाँ 13 तारीख को ही हम आए थे, उस समय से लेके आज तक सरकार का ध्यान आकृष्ट करते रहे हैं, चाहे वो पटना में कैंडल मार्च के माध्यम से हो, चाहे हर एक जिला में कैंडल मार्च के हो। आप सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से लगातार इस मुद्दे पर आवाज़ उठा रही है और बहुत सारी सुविधाओं का अभाव पिछले कई दिनों से चल रहा था इलाज को लेकर के। कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाया, आज मैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, क्या बदलाव और क्या व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है उसको देखने के लिए आए हैं। नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। राठौर साहब, आपने अभी मुलाकात की बच्चों से, क्या स्थिति है अंदर में? देखिए, अभी आज जो है लगभग 45 पेशेंट्स आज एडमिटेड हैं और 60 के करीब बेड अवेलेबल हैं। तो हमें खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने जो दबाव बनाया, अब प्रशासन ने बेडों की संख्या को बढ़ाया है और आज कुछ ठीक लग रहा है, पर अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के ऊपर हम लोग जाएंगे। इस दौरान भीड़ से मरीजों के परिजन भी परेशान दिखाई दिए। कुछ नाराज स्थानीय लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी पर लगा झंडा भी उखाड़ दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।